हो मेरे दिल विच है जो भी हो गल सुन ले अज ओ भी तेनू हुण जो मैं कहना वे तेनू पता ही नहीं दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोग इस 9:16 वाली रेशियो को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे। तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पोजीशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों पोजीशन को इक्वल रखना है, स्टार्ट एंड एंड दोनों पोजीशन को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से इसको इक्वल कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पिक्चर्स में पोजीशन को ऐड करके उसको इक्वल कर लेंगे। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें क्रॉस फेड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सारे में ऐड कर लेंगे एंड इसको 30 सेकेंड्स तक रख लेंगे एंड इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो के रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोग इस 16:9 वाली रेशियो को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके सेम पिक्चर्स को हम लोग फिर से इसमें ऐड कर लेंगे एंड सेम उसी सीक्वेंस में ऐड करना है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऐड किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। एंड इसके बाद इन सब में भी स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड करेंगे। तो इसमें इक्वल नहीं करना है, फिर से स्क्रॉल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन को रखेंगे एंड यहाँ पर एंड पोजीशन को। तो सारे में ऐड कर लेते हैं स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। इसके बाद इन सब में भी ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको प्रेजेंटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें स्लाइड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से सारे में ऐड कर लेते हैं। फिर से प्रेजेंटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट में आएंगे, फिर से स्लाइड में एंड फर्स्ट वाला हमारा लेफ्ट वर्ड था तो इसको हम लोग राइट वर्ड कर लेंगे अभी। ओके, फिर से नेक्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट वाले में कर लेंगे अपवर्ड एंड फिर से इसमें नेक्स्ट वाले में कर लेंगे डाउनवर्ड। तो इसी तरह से आगे तक करते रहना है। फिर से हमारा आ जाएगा लेफ्ट वर्ड एंड लास्ट राइट वर्ड। ओके, इसको भी 30 सेकंड्स तक रखना है एंड इन सारे पिक्चर्स की वीगनेट को ऑन कर लेते हैं। एंड इसके बाद इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ले लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेते हैं एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं।
एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको स्क्रीन करना है। इसके बाद हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया था फुल स्क्रीन वाली वीडियो को, उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। इसको क्रॉप कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो टू हर्ट्स है उसमें भी मैंने पिक्चर्स को ऐड किया था, तो उसमें भी मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसको हर्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेंगे, तो क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आना है, मास्क को एनेबल कर लेते हैं एंड यहाँ से शेप में आके हर्ट वाली शेप ले लेंगे, इसको स्मॉल कर लेंगे एंड इसको ड्रैग कर लेते हैं। एंड टेम्पलेट वीडियो को फिर से ब्रिंग टू फ्रंट करना है एंड इस पिक्चर को इस फ्रेम में रख लेते हैं। इसको अच्छे से इसमें एडजस्ट कर लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। इसके बाद सेकेंड हेड में भी हम लोग पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। इसको भी हर्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेते हैं एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट एंड इस पिक्चर को इस सेकेंड वाले हर्ट में रख लेंगे। एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं। एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, इसको भी एंड तक रख लेंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग प्रोजेक्ट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा।